बाबा जी मैंने सोच कुछ और रखा था लेकिन कल सुपहर में मैंने आप ही की बात कोर्ट की वो हुआ ये कि हमने अमजद साबरी साहब का एक वीडियो क्लिप अल्लाह तला दर्जात उनके बुलंद करे वो प्ले किया तो मुझे आपकी बात याद आ गई कि भाई शादी की फिल्म आप अपनी अगर 20-25 साल पुरानी हो तो उसको वीडियो प्लेयर पे देख लेते हैं किसेट होती है उसको प्ले करते हैं आप देख लेते हैं तो ये तो हो गया एक वी तो इसका मतलब ऐसा भी है कि कुछ लोगों के पास ऐसा एक कोई वीसीआर या कोई एक होती है कि वो कई सौ साल पहले जाके भी वो उस वक्त की फिल्म देख लेते हैं ऐसा मुमकिन है हक मुमकिन है मैं समझता हूँ कि आ, ये कौत हर एक के पास अगर नहीं है तो बेष्टर लोगों के पास मौजूद हो मौजूद हो और अल्लाह सबान का खाद करम होता है तो यह है कि वो जिनको अल्लाह सुबह ने चश्मे चश्मीना फरमाया चश्मे बीना जी हाँ ये फरमाया गया है कि रफात को मकासद में हम दोष से सुरैया कर सीनों में उजाला कर दिल सूरत बीना तो ये बीनाई जो है दिल की आँख की तो अल्लाह सुल्बाह जिन्हें अता फरमा देता है उनके लिए तो ये कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं अच्छा चश्मे बीना देखने वाली आंख इसका अंक यू हाँ जी चश्मे बीना वो, वो बीनाई वो बीनाई। जो हक के मम को देखती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर शरीर जो जुजियात को नहीं देखती मुहरकत को देखती ठीक ठीक तो वो चश्मे बीना जो है वो अल्लाह जैसे अता फरमा दे वैसे यह है कि इंसान के पास हजरत इंसान के पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे वो काम ले कर मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े मरहल हल कर सकता है लेकिन अफसोस तो यह है कि आज हमारी मैं समझता हूँ कि कहत यह है कि हमें ना तो वो इस मिले मिलते हैं ना वो लोग रहे कि जिनके पास कदर कीमत से बैठ के उनके चरणों में बैठ के उनसे कुछ हासिल किया जाए ना ही वो शागिर्द और ना ही वो माधु रहा ना वो साधु रहे वो चीज़ें ख़त्म हो आप अक्सर कहते हैं जमाना बेसवाद जो है वो हाँ, हाँ। हाँ। ये ये वो वाला हाँ। जी अच्छा जी चश्मे बीना की बात हो रही है तो हम तो बिलमूम समझते हैं कि आंख जो है वो देखती है तो कुछ आंखें ऐसी हैं जो इससे कहीं ज़्यादा देखती हैं आँस में जी इसी बात है वो अलामा का एक शेर है सही खामोश है दिल भरी मैं फिल्म चिल्लाना नहीं अच्छा अच्छा जी खामोश है दिल भरी, भरी मैं फिल्म में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के, के करीनों में तो इतने दो दानिश्वर और अजीम लोगों के दरमियान बैठकर जो है वो आ, और दोनों माशाल्लाह अदीब हैं जी तो मोहब्बत जो है ना सही ये अदब के साथ मुनसलिक होती है मोहब्बत अदब के साथ अदब के साथ होगी ठीक जी अदब सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है जिस मानों में आप ले रहे हैं ठीक आप ले रहे हैं मददब रवैये के तौर पर ठीक अदब जो है वो होता है राइट मैनर राइट मैनर राइट मैनर किसी भी चीज के करने का सही तरीका ठीक जी तो जो लोग भी मोहब्बत में जाएंगे वो उनका वो सही तरीके के ऊपर आने लग जाएंगे ठीक अब कोई भी ख्याल हो कोई भी मुशायदा हो कोई भी वारदात हो ख्याल मुशायदा, वारदात कोई भी एहसास हो जी उसका अच्छे असलूब में बयान करना जी उस ख्याल को तहजीब के दायरे में लाना लाना जी तो अदब जो है ये तहजीब ख्याल है अदब जो है वो तहजीब ख्याल, ख्याल है।, है।, है अच्छा जी ठीक है, है। मजहब जो है जी? ये तहजीब नफ्स है तहजीब नफ्स है जी मौजूदा जो मजहब की डेफिनेशन है उसके मुताबिक वरना तो दीन है कि मानियात भी हैं आखिर लेकिन मजहब जो है ये तहजीब नफ्स तहजीब नहजीब नफ्स का लाजमी जुज जो है वो तहजीब ख्याल है तहजीब ख्याल, ख्याल का अच्छा होना हुँ। हुँ। जी और ख्याल तभी अच्छा होगा जब एक इंसान मोहब्बत के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। दाखिल हो गया। ये आ... मोहब्बत में दाखिल हो गया जी जी तो जो आपका सवाल है उस पर आ रहा हूँ जी जी वो अपने वो... एक हाँ। एक मोहब्बत के ख्याल के आगे एक वक्फा आ जाता है अच्छा। असल में मैं चाह रहा हूँ बात... जी जी बिस्मिल्लाह मोहब्बत का जब ख्याल आता है तो चश्म की बात हो रही थी फिर आप आंख से नहीं देखते हाँ। फिर आप आंख में देखते हैं आंख में देखते हैं नैना में आई के नैना मिलाई के हाँ। अच्छा जी बिल्कुल ठीक आंख से नहीं से देखते नहीं, से नहीं। आम इंसान जो है वो आंख से, से देख देखता है जो ख़ास ये चश्मे बिना वाले लोग हाँ। हैं ये आंख में देखते हैं और दिल में ही उतर जाते हैं आप बिल्कुल सही खादिन आजाद सोच रहे हैं ये बिल्कुल वही सैयद वजात हुसैन है खई की जो आखिरी किस्त आपने देखी और आप लोग बड़ी दुआएं दे रहे हैं और आपने वो प्रोडक्शन वैल्यू की बहुत तारीफ़ की शायद जी क्या कहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए सबसे पहले जैसे उन्होंने पसंद किया वो तो बता दीजिए फिर हम बात तो आगे चलेगी इनशाला नूर भाई बसमीम सबसे पहले तो मुझे मेरे ख्याल में जो एहसास कल से हो रहा था हाँ। कि आज पर्दे जो हैं वो चाक हो जाएंगे और असल और नकल की पहचान जो है, है। वो बहुत आसानी से सबके सामने आ जाएगी आपका सवाल खई का कल लास्ट एपिसोड ऑन एयर गया है बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का जिन्होंने सराहा जिन्होंने पसंद किया और उसका फीडबैक बहुत ही जबरदस्त रहा Uh, सफर बहुत अच्छा था तमाम साथी जो साथ से बहुत uh, जबरदस्त जो है वो सही। uh, रहा अल्लाह खालिद भट्ट साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे ये मैंने इसलिए फौरन कहा कि हमने वक्त पे इसी तरह बात को आगे लेके जाना है और आज लिख के दिया कि बात निकलेगी तो आज दूर तलक जाएगी